नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल टोर्जन मीटर के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल टोर्जन मीटर है वो टॉर्क को कैसे मेजर करते हैं हम इसकी हेल्प से। तो इलेक्ट्रिकल टोर्जन मीटर है यानी कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम मेज़र करते हैं जिससे हम टॉर्क को निकाल पाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पहले हम इसके कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो यहाँ पे एक शाफ्ट दिखाई गई है जिसके ऊपर आप जो टॉर्क है उसको अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए ये जो है इस साइड वाली ये है, ये ड्राइविंग साइड है। तो आप इसको लिख दीजिए, ये ड्राइविंग साइड है जहाँ से आप इसको ड्राइव करेंगे। जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो इस शाफ्ट के अंदर टॉर्क क्रिएट होगी, यानी कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, एक ट्विस्ट क्रिएट होगा। अब आपने उस ट्विस्ट को देखने के लिए यहाँ पर दो टूथ डिस्क लगाई हैं, स्लोटेड डिस्क भी आप इसको बोल सकते हैं, स्लोटेड डिस्क आप इसको बोल लीजिए, और इसको टूथड गियर भी आप बोल सकते हैं, या टूथड डिस्क आप इसको बोल लीजिए। तो टूथड आपने डिस्क इसके अंदर लगा दी हैं, एक ये लगाई है एक ये लगाई है। तो दो डिस्क आपने यूज़ की हैं। ये जो साइड है ये कौन सी होगी, ये ड्राइविंग साइड होगी। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टॉर्क को अप्लाई करेंगे तो इसके इन दोनों के बीच में एक ट्विस्ट आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है ये बिल्कुल सेम जो हैं आपने लगा दिए हैं। तो जो टीथ, एक टीथ बिल्कुल दूसरे टीथ के साथ मैच है और एक साथ अरेंज है ये। तो इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो मान लीजिए एल है। तो इस तरह से अरेंज किए हैं। जैसे ही जब आप इसमें टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक ट्विस्ट आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा जैसे ही ये आप टॉर्क को अप्लाई करेंगे। तो टॉर्क को अप्लाई करने से जो इनके बीच में ट्विस्ट आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, जो ये स्लोटेड डिस्क हैं या आप टू थर्ड डिस्क आप इनको बोल लीजिए। तो क्या होगा, इनके साथ आपने क्या लगा दिए हैं, ट्रांसड्यूसर को लगा दिया गया है। तो यहाँ पे ये लगाया गया है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो ये जो हमारे ये रोटेशन है इसकी, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो क्रिएट करेगा, तो यानी कि पल्सेस में उसको क्रिएट करेगा। तो यहाँ भी ट्रांसड्यूसर लगाया गया है, यहाँ भी ट्रांसड्यूसर लगाया गया है। तो दोनों को अलग अलग से मेजर करने के लिए ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया गया है। अब देखिए, जैसे ही इनके बीच में जो भी हमारा ट्विस्ट पैदा होगा तो क्या होगा, अब ये दोनों जो कनेक्ट हैं वो हमारे कनेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के साथ कनेक्ट हैं, जो कि इसकी पल्सेस को मेज़र करेगा। अब देखिए, जैसे ही ये जो पल्सेस जनरेट होंगी, जैसे ही ये रोटेट करेंगे यहाँ पर पल्सेस जनरेट होंगी, जैसे जो इनका गैप है इनके कॉन्टैक्ट के साथ आएगा और ये जो इनके कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पे पल्सेस जनरेट होंगी। अब जब ये पल्सेस जनरेट होंगी तो इन दोनों जो हमारे टूथ डिस्क हैं इन दोनों के पल्सेस में डिफरेंस आएगा, यानी कि टाइम लैप्स आएगा। एक की पल्स कुछ और आएंगी, एक की पल्स कुछ और आएंगी, या आप कह सकते हैं इन जो ये पल्सेस आएंगी ये एक फेज शिफ्ट दिखाएंगी। तो फेज शिफ्ट एग्जिस्ट करेगा दोनों पल्सेस के बीच में, जो दोनों की जो टूथड जो हमारी डिस्क हैं ये जो ट्रांसड्यूसर हैं उनको नोट करेंगे, और जो वो फेज शिफ्ट है या टाइम लैप्स है वो टाइम लैप्स या फेज जो आपकी पल्सेस जो जनरेट हुई हैं फेज शिफ्ट के साथ उनको नोट कर लिया जाएगा, और उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे कि जो टॉर्क पैदा हुई है इस शाफ्ट में। तो इलेक्ट्रिकल टोर्जन जो मीटर का यूज़ इस तरह से किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।